झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन मिला है। ईडी के सीएम हेमंत को समन को लेकर झारखंड के स्वयंसेवी मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की तुलना नीम करेला और कुटकी से की है। उन्होंने कहा कि हम जितना इनका घूंट पिएंगे उतना मजबूत बनते जाएंगे। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ईडी के समन को राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं हम आपको बता दें, ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत को समन किया था। देखिए, राजनीतिक स्वास्थ्य बिल्कुल झारखंड के लिए अच्छा है, क्योंकि हम जितना जो है करेला का जूस पी रहे हैं, नीम का जूस पी रहे हैं, हम जितना जो है कुटकी पी रहे हैं, मतलब समझे, कुटकी, करेला का जूस और नीम का जूस, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उतना हमारा शरीर जो है उतना मजबूत हो रहा है, उतना हम सशक्त हो रहे हैं, उतना हमारा इरादा बुलंद हो रहा है और उतना हमारी लड़ने की क्षमता दक्षता बढ़ रही है। आपके मन में क्या है, क्या मीटिंग में रखेंगे? नहीं, राजहित में बात रखेंगे और कैसे आगामी लोकसभा के चुनाव जो है उसमें झारखंड मजबूत प्रतिनिधित्व करे, ये सारी बातों को रखेंगे, और कैसे हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त हो, ये बातों को रखेंगे। जो आपने नीम करेला कुटकी की बात की, क्या ये जो मुख्यमंत्री को समन किया गया था उसके संदर्भ में था? उसी के संदर्भ में बोल रहे हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। आपने राहत इंदौरी की वो शेर सुने हैं कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब है, भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है, मैं डरा नहीं हूँ। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कल भाषण में कहा, मतलब एक तरह से उन्होंने बैटल सेट किया 2024 के लिए। उसमें कहा कि नहीं, कोटेशन से लड़ना है, परिवारवाद से लड़ना है, करप्शन से लड़ना है, एक परिवारवादी परिवार की तरफ उन्होंने इशारा भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जगह का चुनाव करना चाहिए। ये लोकतंत्र जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में 500 फोरम है जहां पर वो अपनी अन्य बातों को रख सकते हैं, लेकिन लाल किले से जनता, देश की जनता ये सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के मन में देश को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं, वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे लाभान्वित करेंगे। वहां पर राजनीतिक बात सुनने के लिए देश तैयार नहीं होता। राजनीतिक बात सुनने के लिए देश तब तैयार होता है जब चुनाव आते हैं, आपके पास 500 फोरम होते हैं। इसलिए कुछ चीजों को कहां बोलना है, किस परिस्थिति में बोलना है और किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बोलना है, ये चीजों को भी थोड़ा समझना होगा। आपको